हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? खैरियत ठीक ठाक जी। हम आज एक अरसे बाद इस साल प्लान बना है शिला का। कज़न सुलेमान साथ हैं, ये फराज और अजहर भाई हमारे साथ हैं जी। फराज साथ क्या कहेंगे? बस हम 3-4 साल बाद कज़न को दोबारा से जी बहाल किया है। इंशाल्लाह आइंदा से भी हम वो रखेंगे, बहाल ही रखेंगे जी। तो अभी हम जा रहे हैं, सुबह के कोई 6:30 पे हम निकले हैं जी। अभी क्या हो रहा है? तो अभी 7 बज रहे हैं, 4 मिनट रह गए। तो रजा भाई हमारे प्रोजेक्ट बंद किया है। ये देखे जी, शकील राहिल मुंतजर अब्बास और उस्ताद नसीम लकड़ियाँ जमा कर रहे हैं। लकड़ियाँ किसका है पता नहीं, उस्ताद कह रहा है अपना है। ये जी हम शिला पहुंचे हुए हैं। ये शकील राही अपना बनियान भूल के आए हैं। ऐसा भी होता है। ये असर रजा और मुंतजर अब्बास क्या कह रहे? सन वाला कितना लगाया? थोड़ा लगा देना यार। और ये मैं नाजरीन, हम ये इधर शिला वालों के लिए, हमारे खास जानने वाले हैं उनके लिए चीनी वगैरह खुबानी और टॉफी वगैरह ले आए हैं। उस्ताद नसीम साथ है जी। गेहूँ बजाने के लिए थैंक यू काबास। ये जी शिला रिबू में हम पहुंच गए हैं। पोलोथांग है। अच्छा, डायरेक्टर से आप बातचीत कर सकते हैं जी। डायरेक्टर साहब आप कुछ कहे यार, आपको कैसा लग रहा है यार? अभी मेरा मूड नहीं है। क्यों? पता नहीं क्यों। अच्छा, सर में बहुत दर्द हो रहा है। सर में मेरा दर्द हो रहा था, उधर 2 कप चाय पिया, वो क्या कहते हैं यार, चफे और ये के साथ दिछो। फिर जब मजा आया यार। गुलाबी मीठा में आता है वेडिंग, गुलाबी मीठा में तो फिर आता सोच समझ के उर्दू टाइम पता है। गुलाबी टाइम में वीडियो खराब हुई कैसे मिन अस्सलाम गशो गुलाबी टाइम हुई मेरा जो दे गुलाबी टाइम टाइम में दिन भर ये व्यू चेक करें नाज़रीन, व्यू चेक करें। अभी हमने 2-3 लेक्स है ऊपर रिबू से, ऊपर डेढ़ घंटे की ट्रेकिंग है वो करना है। 2-3 जिन पे जाना है जी जी यार, वहाँ वो मैं यही इसी बारे में बता रहा था रजा भाई। नहीं यार चलेगा, कोई इशू नहीं। अच्छा आप पहली बार जा रहे हैं? अच्छा, मैं तो एक लेक कर चुका हूँ, 1.5 घंटे की ट्रेकिंग थी। पहली दफा ही मैं सारे लेक कवर करूंगा इंशाल्लाह। 7-8 लेक्स हैं जी, तो इंशाल्लाह नसीम उस्ताद की क़यादत में जी जी, डायरेक्टर रजा की क़यादत में जी, इंतजामिया मुंतजर मुर्तजा की क़यादत में जी, जिसकी वजह से हमारा पूरा प्लान चौपट हो गया। शकील साहब की क़यादत में जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर है जी। यहाँ पे हम गाड़ी आए रिबू में पहुँच गए हैं और यहाँ पे हमने गाड़ी पार्क कर ली है। यहाँ से आगे 1.5-2 घंटे हम ट्रेकिंग करेंगे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, ये लोग गन वगैरह और सन ब्लॉक लगा रहे हैं। जज़ीर अब्बास लकड़ियाँ
क्या बात है जी। ये देखिए जी, हम इनका 15 मिनट से इधर वेट कर रहे हैं, ये लोग अभी पहुंचे। शकील मुंतजिर और रजा। रजा क्या क्या हुआ? ले अस्सलामुअलैकुम गाइस, ये हम जा रहे हैं ट्रेकिंग पे जी। होय 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 मंतु भाई, हालत मुकम्मल खराब। हाँ जोनी भाई, शकील भाई, आप रजा सबसे पीछे। जोहर, आपके क्या तासुरात है भाई? बस यार इधर थोड़ा रेस्ट किया था नीचे, वहां से बस एक मिनट भी चला नहीं जा रहा था। अच्छा, बहुत ही थक गए ज्यादा। क्या बात है जी। जी, मेरा भी यही तासुरात है। अच्छा, रेस्ट हमने बहुत गलत किया भाई, रेस्ट करके गलत किया। उधर थोड़ा सा चाय भी पिया था ना, इस वजह से पेट भी भारी हो गया। जी जी, भारी हो गया। अब आराम से है तो भी अल्लाह की फजल से आज मौसम काफी क्लियर। हां, रस मैं एक बबल खा रहा हूं। हां, बबल डिंग डोंग बबल, डिंग डोंग बबल। ये लो पानी। ये जी देखिए, व्यू देखिए जी नाज़रीन, बहुत मजा आ रहा है। हम नीचे थोड़ी देर बैठे, चाय शाय पी लिया, फिर से हमने अपना ट्रैकिंग स्टार्ट कर ली है। इधर से इंशाल्लाह हम आधा घंटा तक कुशोकथान लेक पे पहुंचेंगे। उस्ताद नसीम आगे पहुंचा हुआ है, सबसे आगे है, और ये रजा और मुंतजिर पीछे से आ रहे। बहुत ही मज़ा आ रहा है, अरसे बाद पैदल चलने का, बहुत हो गया था पैदल चले हुए। आज बहुत मज़ा आ रहा है ट्रैकिंग करके। इंशाल्लाह आपको हम लेक्स भी दिखाएंगे, कोशिश करेंगे 3-4 लेक्स है ऊपर पूरे कर ले। कोशिश तो हमारी यही है, पहाड़ के ऊपर चढ़ना पड़ेगा 2-3 लेक्स और करने के लिए। वो अगर हम में हिम्मत हुई तो इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर दिखाएंगे। हाँ कशकिल, किधर? बस यार, बस यहाँ से झील पूरे 45 मिनट की दूरी पर है। मिल रहा है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा जी, जी जी, ये फराज फर्स्ट टाइम आ रहे है, इस वजह से आंखें बंद कर करके हम वो उधर नीचे से उधर इसे ले आ रहे हैं। गुलाबी पेट आ रहा है। सब कुछ ना ठीक है, बस बस आंखें। अब भागो भागो, इधर से भागो। क्या बात है, मजा है ना? इधर बस गर्म कर रहे हैं शेफ अजहर रजा के साथ। शकील राही थोड़ा सा बीमार हो गए हैं, इधर पहुंचते ही पता नहीं क्या हुआ है। क्या हुआ है राही भाई? अच्छा, वो दोनों पता नहीं क्या कर रहे हैं। कोई नजर आया? अच्छा अच्छा, किधर है?
मार पुता में रजा दो टाइम में मैं म्यूजिक तो से जो है दोबारा क्यों आया ये मार को भाई की कसम दा में दो चले चले ये है जी कढ़ाई जोनी भाई के मुंह में पानी शकील खुआ लड्डी मियत मुंतजर खुआ लड्डी मियत करजा शिफ्ट यू गामल अलग अलग है ना क्या बात है जी और दूंगा इंजुआ दस जुदा दो लाइक पूजो लाइक पूजो सही मछलियत जो अभी अभी आया जो बादल जो क्या मार ये देखे जी हाँ कश थक गया भाई अच्छा इस तरह के रास्तों पे ट्रेकिंग किए बगैर इस तरह के व्यू थोड़ी मिलेंगे यार देखे ना व्यू चेक करें देखो रास्ते को देखो नाजरीन नजर हटी दुर्घटना घटी एक्सक्यूज मी फरास वेरी वेरी डेंजरस हेलो यस बहुत ही खतरनाक रास्ते हैं देखिए जी आज सुबह आके हमने ये वाला झील कोशोक था में और उधर छोटा झील एक है और ये कोशोक था झील और साथ ही ऊपर एक छोटा सा और झील है चार झील ये शिला से ऊपर दो घंटे की हाइकिंग पे है हम पहुंच गए ये देखे हालत टाइट हो गया ये देखे नाजरीन कितना ऊपर हम आए बहुत ही थक गया ये बहुत ही प्यारा झील है मुंतजिर आपकी क्या तासुरात है हालत मुकम्मल ख़राब है ये झील देख के आपको कैसा महसूस हुआ हाँ मज़ा आया बहुत मज़ा आ रहा है चलो चलो हाँ जी आप क्या कहेंगे सर जी मैं तो बहुत थका हूँ जी जी क्योंकि हमने जो ट्रैक फॉलो किया था वो बहुत ही डेंजरस था बहुत ही डेंजरस था अल्लाह अल्लाह करके पहुंचे उस हालत खराब हो गए उस रब का शुक्र हम शुक्र अदा करते हैं आज ये चार झील हमने खुदा का कुदरत देखे हाँ मजा आया बहुत ज्यादा नाजरीन ये देखे उस्ताद नसीम के कहाँ पहुंचा है ऊपर से व्यू भी अच्छा आ रहा होगा नसीम हाँ अच्छा हाय अल्लाह बहुत ही थक गए क्या बात थक तो गए थे बहुत थक गए थे ज्यादा हमने सिर्फ पहाड़ पे घंटा पहाड़ पे चढ़ा है चारों झील देखने के लिए आखिरकार हमने ये कर लिया अल्लाह का शुक्र है ने कर लिया और थकावट सारा दूर हो गया ये देखे जी क्या बात है जी क्या क्या बात है माशाल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह रजा और शकील राही वो नीचे से आ सका मजा आया हमने बनाया थोड़ी देर पहले जी भाई मेरा कोहली था जी और ये मेरा वो मुंशी है जी मैं इंजीनियर था इंजीनियर साहब और मैं कंस्ट्रक्टर जी 3 करोड़ का ठेका था अभी अभी बनाया जी 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 क्या हम इसे तोड़ दें इसको मत तोड़े यार ये मैंने एज ए ब्यूटी बनाया है जी जी ये निशानी है ये साबित करते हैं कि फराज नसीम और मुंता और जोहर इधर आए हुए मैं इधर नाम ये देखे हम भी पहुंच गए ये पत्थर में रखे ये इधर बीच में ये हम लिख रहे
ये एफ हो गया जी, एफ ये ए हो गया। मैं कैसे लिखूं अपना नाम? ये जी हम रिबू के पास पहुंचे और यहाँ पे हमने डक डक की थी। साथ कबाकिर और शाका भी पहुंचे हुए थे। हाँ कबाकिर टेस्ट करे और बताए हमारा डक डक कैसा हुआ है। हाँ कबाकिर कैसा हुआ है डक डक? मजेदार हुआ है। थैंक यू। निकल गया क्या क्या शकी।